किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पर कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसी हाउस कह रहा हूं इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के लिए है शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? इलाहाबाद जैसा महानगर जहां हमारा हाईकोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय है, और वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन काम हो रहे हैं और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर, कमिश्नरेट बता रहे हैं कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं है, अगर कल ही की हम जानकारी करें उत्तर प्रदेश में। अब आप इसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकते, अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता सदन से ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है जवाब देंगे कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? नहीं माननीय मुख्यमंत्री।